हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और हम लूप्स पे चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाइल लूप को और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग फंक्शन और लूप दोनों को यूज़ करेंगे। ओके, और हम एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही वेल नोन प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर को हम प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप के जरिए। ठीक है, तो फंक्शन, पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन प्रिंट फिबोनाची। प्रिंट फिबोनाची, और यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे एन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस नेम से कि एक फंक्शन है ऐसा जो कि एन तक के फिबोनाची नंबर को प्रिंट करेगा। प्रिंट एन फिबोनाची नंबर्स, एन फिबोनाची नंबर प्रिंट करेगा। अगर आपको फिबोनाची नंबर नहीं पता है तो वो क्या होता है, पहला नंबर होता है वन, दूसरा नंबर भी होता है वन, और फिर तीसरा नंबर जो होता है वो पिछले दो का सम होता है। तो वन और वन क्या हो गया, टू। उसी तरह से देखिए, टू और वन कितना होता है, थ्री। अभी देखिए, पिछला दो नंबर क्या है, थ्री और टू। थ्री और टू कितना हो गया, फाइव। अब क्या हो गया, फाइव और थ्री हो गया पिछला दो नंबर, फाइव और थ्री हो गया एट। फिर एट और फाइव कितना हो गया, थर्टीन। ये ऐसे चलता जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर पिछला दो फिबोनाची नंबर, फर्स्ट दो फिबोनाची नंबर प्रिंट करो तो वन और वन प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहेंगे कि फर्स्ट थ्री फिबोनाची नंबर प्रिंट हो तो वन वन टू प्रिंट होना चाहिए। ओके, इस फंक्शन का यही काम है। हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप से प्रिंट करना शुरू करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे इसके लिए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये एन, अगर मान लीजिए 50 है तो 50 चीज़ प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम इस वेरिएबल को, हम सारा नंबर को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, इसको कंप्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए, जो फिबोनाची नंबर है, पहला नंबर होता है वन, दूसरा नंबर होता है वो भी वन होता है। ओके, और तीसरा नंबर जो होता है वो पिछला दो का सम होता है। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लिखेंगे, वाइल आई लेस देन एन। ठीक है, एक आई एक वेरिएबल है जो कि एन से छोटा है। आई का वैल्यू शुरू में जीरो है। ठीक है, आई का वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि हम फर्स्ट एन फिबोनाची नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एन वन रहेगा तो पहला नंबर प्रिंट होगा, दो दो बोलेगा तो दो दो प्रिंट फिबोनाची नंबर प्रिंट होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रिंट एन वन। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस वन। एन वन को हम प्रिंट कर दिए, एन वन एक फिबोनाची नंबर है वो प्रिंट हो गया। तो अगर हम एन अगर वन है मान लीजिए, तो क्या होगा कि जीरो इज लेस देन वन, पहली बार लूप एग्जीक्यूट सही होगा और प्रिंट एन वन जो है वेरिएबल, पहला फिबोनाची नंबर प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है कि जो एन टू होता है, एन वन होता है वो बन जाता है एन टू, और एन टू क्या हो जाता है, एन वन प्लस एन टू। ओके, अभी देखिए हम क्या करेंगे, एन वन जो हो गया, एन टू हो गया, तो जो एन वन है वो पिछला नंबर बन जाता है और एन टू क्या हो जाता है, पिछला दो का सम हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसको हम एक टेम्प में स्टोर कर लेते हैं, एन टू को, एन टू इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, और एन वन इक्वल टू टेम। ठीक है, ऐसे करते हैं। इससे क्या हुआ, पहली बार जब लूप जाएगा तो देखिए, आई लेस देन एन है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई वन हो गया, टेम्प इक्वल टू एन टू, मतलब टेम्प में चला गया वैल्यू वन, क्योंकि एन टू वन था। एन टू इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, मतलब एन टू हो गया वन प्लस वन टू, और एन वन क्या हो गया, हो गया टेम्प, जो पुराना एन टू का वैल्यू था वो एन वन में चला गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखिए, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं क्या आपके पास। ओके, हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट फिबोनाची, मान लीजिए पहला पांच फिबोनाची नंबर हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो ऐसे इस फंक्शन को हम कॉल कर दिए। तो ये देखिए, ये फंक्शन कॉल है फिर प्रिंट फिबोनाची का, और लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 13 तक जो है ये फंक्शन का बॉडी है, प्रिंट फिबोनाची फंक्शन का बॉडी है, लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 13 तक। और उसके बाद वापस हम लाइन नंबर 15 में
प्रिंट फिबोनाची को कॉल कर रहे हैं। ओके अभी देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आई डी ई 1 पे क्लिक कर दिए, कंपाइल हो रहा है, देखिए आउटपुट आया 1 1 2 3 5। तो 1 और 1 2, फिर 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो पहला 5 फिबोनाची नंबर प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर टोटल प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि शुरू का 8 फिबोनाची नंबर प्रिंट हो। ठीक है, तो 8 डाल दिए, 5 की जगह 8 डाल दिए। और देखिए इसी यही एडवांटेज है फंक्शन लिखने का, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, 8 लिख दिया, 8 फंक्शन 8 फिबोनाची नंबर प्रिंट होना चाहिए। ओके आई डी ई 1 8 पर क्लिक कर दीजिए और देखिए क्या होता है, कंपाइल हो रहा है, रन हो गया, देखिए 1 1 2 3 5 8 13 और 20, ये है शुरू के 8 फिबोनाची नंबर जो कि सही है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है पिछले 2 का सम होता है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि क्या होगा। ओके तो इस वीडियो में इतना ही, इससे हमने ये सीखा कि वाइल लूप को यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 13 तक जो है वो वाइल लूप है। ओके अब देखिए वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं, आई जो है, आई पहले 0 होता है, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई बढ़ जाता है, फिर आई 2 हो जाता है, 3 4 5, आई जब एन हो जाएगा, इस केस में एन है 8, क्योंकि 8 हम पास कर रहे हैं, तो आई जब 8 हो जाएगा तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, और क्योंकि इस फंक्शन में इतना ही तक है, तो ये फंक्शन पूरा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फंक्शन। ओके फंक्शन वापस चला जाएगा, तो प्रिंट फिबोनाची नंबर का जो वैल्यू है, प्रिंट फिबोनाची का जो काम है वो ख़त्म हो गया। ओके तो ये वाइल लूप का एक और इंट्रोडक्शन था। ये एक फिबोनाची नंबर बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, आपको इसको थोड़ा समय देके इसको समझना चाहिए, और इसे क्योंकि आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि एक वेरिएबल होता है n1 n2, और n2 का वैल्यू n1 में चला जाता है, और n1 प्लस n2 का वैल्यू n2 में चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।